हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लासेस में जैसा कि मैंने रूट्स के बारे में चर्चा की थी, आज उसको थोड़ी रिकॉल करते हुए हम एक दो रूट्स के बारे में देखेंगे और आज मैं स्टेम्स पर चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले रूट्स का एक बार डेफिनेशन आप रिकॉल कर लीजिए कि रूट्स का क्या काम है। मेनली इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, दैट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। अब हम आपको कुछ रूट्स के बारे में फिर से दिखा देते हैं और आप रूट्स के टाइप भी हम लोग पढ़े थे, टैप रूट, फाइब्रस रूट, तो आप देखें और उसके डिफरेंस को समझें। तो सबसे पहले आप रूट्स को एक बार और देख लें, अच्छी तरह से आप देखें रूट्स को। देख रहे हैं ये ग्रास, घास के जड़ हैं। आप इनकी जड़ों को देखिए, उसके बाद इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ग्रास, इसके भी जड़ों को आप देखिए। बिल्कुल ध्यान से, सावधानी से देखना है आपको कि इसकी जड़ों में क्या डिफरेंस है। देख लिया अच्छी तरह से। उसके बाद एक और, यह भी जमीन से ग्रो करता है और मोस्टली इट इज ए क्रीपर टाइप्स ऑफ प्लांट। तो आप इसके भी जड़ों को देख सकते हैं, आप इसको भी देखिए और तीनों के जड़ों में आप डिफरेंस खुद ही समझिए किस तरह की ये जड़ें हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं पार्ट्स के दूसरे प्लांट में, प्लांट के दूसरे पार्ट्स में। दूसरा पार्ट्स क्या है मेनली? स्टेम। स्टेम्स को एक बार हम लोग पढ़ लें अच्छी तरह से। स्टेम्स ग्रो अबव द ग्राउंड, यह जमीन से ऊपर ग्रो करता है। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द सूट, सूट सिस्टम। जैसा कि कल मैंने बताया था, प्लांट्स के दो सिस्टम है, रूट सिस्टम, एक तो जमीन के नीचे ग्रो करने वाले जड़ जिनको रूट सिस्टम कहा जाता है, और जमीन से ऊपर जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स ग्रो करते हैं वो इट कम्स अंडर सूट सिस्टम। इसमें स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स आते हैं। तो आज हम स्टेम के बारे में चर्चा करें और यह मेन जो है सूट सिस्टम का मेन पार्ट, दैट इज स्टेम। और स्टेम हैज ब्रांचेज दैट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ब्रांचेज। आपको कुछ पौधे के हम जड़ों को, स्टेम्स को दिखाएंगे, जड़ों को दिखाया है, स्टेम्स को भी हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न उठता है कि प्लांट्स कितने तरह के होते हैं? तो ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर, क्रीपर्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब एक एक करके इनको देखना है कि इनके ट्रीज के तने कैसे होते हैं, श्रब्स के स्टेम्स कैसे होते हैं, हर्ब्स के कैसे होते हैं, क्लिम्बर्स के और क्रीपर्स के। तो पहला क्या है? ट्रीज, प्लांट्स का पहला ट्रीज, ट्रीज टाइप ऑफ प्लांट्स। तो इनकी एक मैंने ये देखिए, ये स्टेम के ही ब्रांचेज को लेकर के मैं दिखा रही हूँ कि ट्रीज के स्टेम जितने होते हैं वह स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड वुडी, लकड़ी के समान। आप इसको देख रहे हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ स्टेम, स्टेम का ही एक पार्ट है, दैट इज ब्रांच। तो इसी तरह का वो हार्ड और थिक और वुडी होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी लिख रखा है। ट्रीज के पेड़ के, बड़े पेड़, बड़े पेड़ के स्टेम्स कैसे होते हैं? तो दैट इज थिक, हार्ड एंड वुडी, लकड़ी के समान। अब सेकंड टाइप्स के जो है श्रब्स, दैट इज रोज। अब आप, यह एक रोज का स्टेम है, आप इसको अच्छी तरह से देखिए रोज के स्टेम्स कैसे हैं। आप इसको अच्छी तरह से पहले देख लीजिए, फिर हम लोग कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। इट इज श्रब्स, रोज प्लांट, और इसके स्टेम्स को आप देखिए, दिस इज स्टेम्स, ठीक है। अब आप फोकस करिए ब्लैक बोर्ड पर कि मैंने क्या लिख रखा है, हार्ड एंड थिन स्टेम्स। इसका क्या है? हार्ड तो है, ये देखिए हार्ड है,
लेकिन यह पतला थीन स्टेम्स। तो श्रब्स के स्टेम्स कैसे होते हैं? हार्ड और थीन। नेक्स्ट ये देखिए, यह भी एक तेज पत्ते का पेड़ है, तेज पत्ते का, और उसका मैं एक स्टेम का पार्ट लेके आई हूं। इसके भी स्टेम्स को आप देख लीजिए, यह भी हार्ड है बट थीन। तो आपको जो भी चीजें दिखाई जा रही है बिल्कुल अच्छी तरह से मोबाइल को पॉज करके आपको रोक रोक के देखना है और उसके डिफरेंस को समझना है। जहां नहीं समझ में आए आप इमीडिएट रोकिए और उसके डिफरेंस को समझिए। तो श्रब्स का आपने देख लिया कि हार्ड बट थीन स्टेम। अब हर्ब्स में देखिए सॉफ्ट एंड ग्रीन। अब ये देखिए, यह एक पालक का पत्ता है और इसके स्टेम्स को आप देखिए यह कैसा है। आप देख रहे हैं यह ग्रीन कलर में है लेकिन थीन है और वीक भी है, कमजोर है। इसको आप इस तरह से तोड़ भी सकते हैं चाहे तो। तो आप इसके डिफरेंस को देखिए, ठीक है। तो इट इज हर्ब। हर्ब में क्या हमने कहा? सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। अब क्लिम्बर। क्लिम्बर जिसको कि ग्रो करने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, वह पेड़ क्लिम्बर टाइप ऑफ प्लांट कैन नॉट स्टैंड बाय देयर ओन। इनको अपने ग्रोथ के लिए, खड़े होने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत है। और अब जैसे एक देख लीजिए, ये मैंने पुदीना का एक अलग टाइप के साग को भी मैं लेकर के आई हूँ। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एमरेंथस, चौलाई जिसको कहते हैं, ये पुदीने का है। तो आप ये देख लीजिए कि पुदीना का पेड़ तो आपने देखा होगा, पुदीने के पौधे को कैसे वो ग्रो करता है। तो आप इसके स्टेम्स को देखिए, फिर इस साग के स्टेम्स को भी देखिए। तो सारे स्टेम्स को जब आप क्लियरली देखेंगे तो आपको डिफरेंस स्वतः ही पता चल जाएगा कि किस तरह के प्लांट्स में किस तरह के स्टेम्स पाए जाते हैं। अब लास्ट क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होता है बताइए? क्रीपर्स जो जमीन पर ही फैलते हैं। क्रीपर्स किस तरह के प्लांट्स हैं? जैसे आपने देखा होगा मस्कमेलन, खरबूजा, तरबूजा, ये सारे क्या हैं? ये क्रीपर्स हैं। ये जमीन के सहारे ही फैलते हैं। तो इस तरह के भी स्टेम्स, इस तरह के प्लांट्स के स्टेम्स कैसे होते हैं? यानी बहुत पतले होते हैं और वीक होते हैं, एंड दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, यह जमीन पर ही ग्रो करते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग स्टेम के यूजेज को भी पढ़ लेते हैं कि स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट। स्टेम क्या करता है? पौधे को खड़े रखने में मदद करता है। सेकेंड वन इज इट कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट कैरीज द फूड मेड बाय द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Some plants such as sugarcane and potato store their extra food in their stems, so we eat some of these stems as food. तो हम लोग कुछ stems को अपने भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लें stems के बारे में जो आज हम पढ़ रहे थे कि stems grows above the ground, it is the main part of the shoot, the stem has branches. Leaves, flowers and fruits grow on branches. There are different kinds of stems. A stem of a tree is thick, hard and woody. It is called the trunk. Shrubs have hard and thin stems. Herbs have soft and green stems. A clipper's stem is very thin and weak. It cannot stand on its own. It needs support. And clippers too have very thin and weak stems, they grow along the ground. और इसके यूजेज को हमने देखा, the stem keeps the plant upright, it carries water and mineral from the roots to the other parts of the plant, it carries the food made by leaves to the other parts of the plant, and some stems that we use as food like potato and sugar cane. Okay, more in next classes. हम लोग third part leaf, that is most important part of the plant, हम लोग कल उसको different types के leaves पर चर्चा करेंगे।